और मन्नालाल जी रावत को राजनीतिक सूझ रही है, एक पैंथर को पार्टी कैसे जोड़ रहे कि पार्टी का पैंथर है, मतलब शर्म आनी चाहिए, इस तरह की राजनीतिक आज तक नहीं हुई है। हमारा कार्यकर्ता उस आदमखोर कैंथर को पकड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है, भाजपा इन पे मुकदमा दर्ज करवा रही है और दूसरी तरफ पोस्ट कर रहे हैं कि ये कहीं 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 बीएपी तो नहीं छोड़ा है, गजब की बात है। जोहार साथियों, उदयपुर भाजपा सांसद मन्नालाल जी रावदर एक पोस्ट की गई है जिसमें कहा गया है कि गोगुंदा सायरा के अंदर आदमखोर जो पैंथर है ये मतलब बीएपी के द्वारा छोड़ा गया, मतलब एक शर्म आनी चाहिए उनको, इतनी घिनौनी बद्दी राजनीतिक आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा, एक अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक तरफ आदमखोर पैंथर ने उस इलाके में हाहाकार मचा रखा है, 12 लोगों की अब तक जान ले ली गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, लगभग बता रहे हैं 30-40 पशुओं को उस आदमखोर पैंथरों ने मार दिया है और मन्नालाल जी रावत को राजनीतिक सूझ रही है, एक पैंथर को पार्टी कैसे जोड़ रही है कि पार्टी का पैंथर है, मतलब शर्म आनी चाहिए, इस तरह की राजनीतिक आज तक नहीं हुई है। आपकी जानकारी में बता दूं किस तरह से भाजपा के नेता उदयपुर संभाग के जो नेता है बद्दी राजनीतिक कर रहे हैं, प्रशासन ने एक झूठा पैंथर मतलब एक पैंथर पकड़ा जो आदमखोर नहीं था और पूरे इलाके में ये कहा कि आदमखोर पैंथर पकड़ लिया गया है, सबको लोगों को धोखे में रखा। जब बीएपी के कार्यकर्ताओं को पता चला कि ये झूठ परोसा जा रहा है, कहा लोगों को आदमखोर पैंथर तो दूसरे इलाके में आक्रमण कर रहा है, तो हमारे लोगों ने ज्ञापन दिया आदमखोर पैंथर कि उसको पकड़ने के लिए और साथ ही जो लोग मरे थे उनको मुआवजा दिलाने के लिए। तो भारत आदिवासी पार्टी के गोगुंदा के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के लिए एक रैली का किया और उन्होंने प्रयास किया कि प्रशासन को एक सजग करने के लिए रोड जाम का प्रयास किया, एक हाईवे भी नहीं था, छोटा सा, कार्यकर्ता इकट्ठे हुए सड़क पे और भाजपा के नेताओं ने प्रशासन पे प्रेशर बना के भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीड़ितों के लिए न्याय मांग रहे थे, आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए कह रहे थे, इनको लेके आंदोलन जो कर रहे थे उन पे भाजपा के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया, 16 कार्यकर्ताओं पे हमारे मुकदमा दर्ज किया है। हमारा कार्यकर्ता उस आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए आंदोलन कर रहा है, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा है, भाजपा इन पे मुकदमा दर्ज करवा रही है और दूसरी तरफ पोस्ट कर रहे हैं कि ये कहीं 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 बीएपी तो नहीं छोड़ा है, गजब की बात है। मन्नालाल जी रावत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मन्नालाल जी रावत को उठते बैठते जागते सोते हर वक्त बीएपी पार्टी नजर आती है। आपकी जानकारी में बता दूं पहले बारिश नहीं आ रही थी, वही मन्नालाल जी कई स्टेटमेंट दिया था कि बीएपी की वजह से बारिश नहीं आ रही है, बारिश ज़्यादा आई, फिर बोलने लगे कि नहीं ये तो बीएपी जीती इसलिए बारिश ज़्यादा हुई, फसल बिगड़ी, मतलब कुछ भी होता है उनको बुखार भी आता है तो भी बीएपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा जिस तरह से गंदी राजनीतिक झूठी राजनीतिक आदमखोर पैंथर को नहीं पकड़ के आदिवासी संगठनों पे मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है और उल्टा बीएपी पार्टी पे ही आरोप लगा रही है, तो ऐसी बद्दी राजनीतिक से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आने वाले समय में सबक सिखाने की ज़रूरत है। धन्यवाद, आभार, जोहार।